नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमए मॉड्यूल। दोस्तों, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था मॉड्यूल के एसएपी में हमारे कितने मॉड्यूल्स होते हैं, एसएपी में हमने पहले कौन सा मॉड्यूल देखा है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एसडी मॉड्यूल को समझा था, ऑर्डर कैसे बनाते हैं, डिलीवरी कैसे बनाते हैं और इन्वॉइसेस कैसे बनते हैं, और ई इन्वॉइसेस के बारे में वीडियो हमने पहले देखी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जीआरएन, गुड्स रिसीव नंबर, कि हम जीआरएन कैसे करते हैं। एमए मॉड्यूल में हमारा टी कोड जो मीको है उसका यूज कैसे होता है। दोस्तों, एमए मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है मीको। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो मीको के थ्रू करते हैं, जैसे 103 गेट एंट्री, 104 कैंसिल, यदि हमसे गेट एंट्री गलत हो गई तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे, 105 जीआरएन गुड्स रिसीव, 106 जी आर एन हमसे गलत होगी तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे, MB52 हम स्टॉक कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक एक एसएपी में। इसके लिए पहले हम एग्जांपल के साथ आज समझते, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लेके आया हूँ। दोस्तों, सपोज हम एग्जाम्पल देखते हैं एमए मॉड्यूल का। हम एक वेंडर से दोस्तों कुछ भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं, लाइक वॉच, हेलमेट और फुटबॉल, पेन, पेंसिल, केप एक्सेट्रा, जो भी, यदि हमें जो भी चीजें परचेस करनी है। हमें मिस्टर बी, हमने मिस्टर ए से हमने चीजें परचेस करी, उसके बाद परचेस करके हम हमारे शॉप में उसको सिस्टमेटिक जमाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसएपी। हम चाह रहे हैं कि हम एसएपी की मदद से हमारे स्टॉक को जनरेट करें, स्टॉक को सेफ में लेके आए, उसके थ्रू प्रोडक्शन हो और उसके थ्रू डिस्पैच हो, सेल हो। तो उसकी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एमएम मॉड्यूल में मीगो को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही हम मीगो में जाते हैं तो मीगो में सबसे पहले आता है 103 गेट एंट्री। 103 हम कैसे करते हैं, आइए मैं आपको एसएपी में बताता हूँ कि हम 103 कैसे करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे हम 103 करते हैं, उससे पहले हमें एक पीआर जनरेट करना पड़ता है किसी मटेरियल के लिए, परचेस रिक्वेस्ट। उस मटेरियल को, उस परचेस पीआर बनने के बाद उसका पीओ बनता है, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर की मदद से हम उस मटेरियल को परचेस करते हैं, और जब भी वेंडर से जो भी हम मटेरियल परचेस करके लाते हैं उस इनवॉइस को हम सेफ में रिसीव करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसको सेफ में रिसीव कैसे करते हैं। उससे पहले दी दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, हम समझते हैं एसएपी। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया था टी कोड क्या है मीगो। सबसे पहले हमें मीगो का टी कोड देखना पड़ेगा। मीगो में हमें क्या 103 गेट एंट्री मूवमेंट देखना है। तो आइए दोस्तों, सेफ में चलते हैं, करेंगे मीगो MIGO। जैसे हमने मीगो टाइप किया तो हमारे पास स्क्रीन खुल जाएगी। दोस्तों, इसमें आप देखिए, इसमें ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, गुड्स रिसीव, रिटर्न डिलीवरी, कैंसिल, डिस्प्ले, रिलीज ईआर ब्लॉक, सब्सिक्वेंट गुड्स रिसीव। हमको जीआर करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे गुड्स रिसीव कैंसिल सिलेक्ट करना पड़ेगा। गुड्स रिसीव के बाद आप किसके थ्रू आप जीआर कर रहे हो, परचेस ऑर्डर के थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, आउटबाउंड डिलीवरी के थ्रू। मैक्सिमम केसेस में पीओ के रेफरेंस से ही जीआर करते हैं। हम यहाँ पे लेंगे पीओ, परचेस ऑर्डर क्लिक, यहाँ पे हम हमारा जो भी परचेस नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे डालेंगे उसका एंटर करेंगे, आप एक स्क्रीन पे देखोगे दोस्तों, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होगी, इनवॉइस की डेट वो आप यहाँ पे डालोगे, पोस्टिंग डेट जिस भी डेट में आपको जीआरएन करना है वो डेट आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आप डिलीवरी नंबर डालोगे जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा, यहाँ पे भी सेम आपका इनवॉइस नंबर होगा, या इनवॉइस नंबर नहीं है तो उसके रेफरेंस में कोई और नंबर होगा तो वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे जो भी आपका व्हीकल नंबर होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जितनी भी क्वांटिटी होगी आप वो क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 10 के परचेस करेंगे, हमने 10 के परचेस की, उसका जीआरएन हम कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मूवमेंट आई पे 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, 103 मीन्स होता है सिर्फ हम नॉर्मली एक गेट एंट्री कर रहे हैं, हमारे स्टॉक को गेट से अंदर ला रहे हैं, तो ये 103 हुआ। दोस्तों, एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डेट पे इनवॉइस डेट डालेंगे, पोस्टिंग डेट जिस भी डेट में आपको जीआरएन करना है, यहाँ पे डिलीवरी नोट में आपका इनवॉइस नंबर आएगा,
बिल ऑफ लेडिंग में भी आपका इनवॉइस नंबर आएगा, या इनवॉइस नंबर नहीं है तो चालान नंबर आएगा, एडर टैक्स में आपकी व्हीकल नंबर आएगी। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप बिल नंबर डाल सकते हैं, बट दोस्तों एक हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा बना के रखना पड़ता है जिससे हमें रिपोर्ट चलाने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों मैंने क्लिक करा, अब इसके बाद ये डिटेल्स फीड होने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें दिखाएगा कोई एरर नहीं है, तो हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद पोस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे ये पोस्ट करा हमें एक नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे ये नंबर जनरेट हुआ मीन्स हमारा 103 हो गया। दोस्तों जैसे गेट एंट्री हुई, अब हम आते हैं 105 में जीआरएन के लिए। जीआरएन में आपको यहाँ से रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक करना पड़ेगा। जैसे आप रिलीज जीआर ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे 103 नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने गेट एंट्री करी थी, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों जो भी आपने डिटेल डाली थी वो यहाँ एज सुन एज जैसी डिटेल्स आपने वहाँ फीड की थी वैसी ही डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगी। तो हाँ, यहाँ पे आप फिर से पोस्टिंग डेट चेंज कर देंगे जो भी आपको पोस्टिंग डेट लेना है। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डेट सेम रहेगी, जो भी आपको इनवॉइस नंबर डालना है फीड कर सकते हैं, जो भी आपको गाड़ी नंबर डालना है फीड कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी जो भी आपकी स्टोरेज लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, और मूवमेंट टाइप 105। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा मूवमेंट टाइप 105 जो होता है वो हमारे जीआरएन के लिए होते हैं, और 106 होते हैं वो जीआरएन कैंसिल के लिए होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जैसे दोस्तों हमने पोस्ट करा तो ये हमारा जीआरएन जनरेट हो गया। जीआरएन मींस अभी हमने जो समझा दोस्तों वो हमने समझा है जीआरएन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 103 हम क्रिएट गेट एंट्री कैसे करते हैं, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया उसी के रेफरेंस से हम 105 कैसे करते हैं। जैसे हम 105 करते हैं, और यदि दोस्तों यदि हमसे 103 एंट्री हो गई है बट हमसे गलत हो गई तो उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे। 106 जीआरएन हो गए तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे, और MB52 में हम उसको स्टॉक कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया था कि जीआरएन कैसे करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम जीआरएन कैंसिल कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।